अस्सलाम वालेकुम, मैं मुखातिब हूँ सुहेल हयात स्वाद से और अपने ग्रुप स्वाद फार्मिंग से। और मैंने एक वीडियो बनाई थी फुल प्रोसेस ऑफ जीवन गार्लिक। फुल प्रोसेस तो नहीं, जब हम उसको उगाते हैं उस तक का प्रोसेस मैंने अपनी एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। और तकरीबन ये जीवन गार्लिक आप देख सकते हैं, अभी तो नहीं निकली सारी ज़मीन से, लेकिन आज 11वां दिन है। आज मैं अपने गार्डन में घूम रहा था तो मैंने देखा कि माशाल्लाह जीवन गार्लिक 11 दिन में तकरीबन इधर ज़मीन से निकलने की तैयारी कर रही है और माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ है। पिछले साल तकरीबन मैंने जब इसको फोकस किया था तो ये 15 दिन में बाहर आई थी ज़मीन से, लेकिन माशाल्लाह इस बार ज़मीन की तैयारी भी अच्छी हुई और इसको हमने काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया, जिसकी वजह से, और थोड़ा मौसम भी गर्म रहा है उसकी वजह से, माशाल्लाह 11 दिन में आप देख सकते हैं ये बाहर आ चुकी है। बहुत अच्छी ग्रोथ माशाल्लाह 11 दिन में ये ज़मीन से बाहर आ चुकी है। अभी तकरीबन सारी नहीं निकली, लेकिन उम्मीद है कि ये अभी निकलना शुरू होगी। तो इंशाल्लाह इसको तकरीबन 15, 16 या 20 दिन लगेंगे, ये बिल्कुल बाहर आ जाएगी ज़मीन से। तो इसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि इन दिनों में आपकी ज़मीन सूखे नहीं, इसको आपको जल्दी जल्दी पानी देना है। तकरीबन ये जो मैंने लगाई थी 11 दिन पहले इसको लगाया था, उसके बाद मैंने इस गार्डन को 3 बार पानी दे चुका हूँ। ये कल इसको पानी लगाया, आज माशाल्लाह अच्छे तरीके से पड़ा है, लेकिन 3-4 दिन इसका ये पानी काम करेगा। उसके बाद आपको इसको फिर पानी देना है, इसको सुखाना नहीं है। फिर जब ये ज़मीन से इक्वल बाहर आ जाए, मतलब ये है कि ये सारे जो हमने लहसुन लगाई है जीवन गार्लिक, ये सारी बाहर आ जाए, उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं 11वां दिन है इसका। पिछले साल ये निकली थी 15वें 16वें दिन में, लेकिन इस बार ये 11वें दिन में तकरीबन ज़मीन से बाहर थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। तो इसका अगला प्रोसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इधर हम इसको एक दवाई देते हैं जिसका नाम पेंटी है, येलो रंग की इसकी बोतल होती है, वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूं। उसका स्प्रे हमने इस पर किया था ताकि घास फूस, ये छोटी जड़ी बूटियां जो निकलती हैं जो इस जीवन गार्लिक को कमज़ोर करती हैं और ये ज़मीन से जो हमने इसको खादे दिए हैं उसको कमज़ोर करती हैं, उसकी वजह से हमने इस पर एक स्प्रे किया था। पेंटी नाम की एक बोतल आती है येलो रंग की, तो माशाल्लाह उसने तो अच्छा काम किया है। अभी थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहे हैं ये जो घास वगैरह छोटी छोटी नज़र आ रही है, लेकिन उसने पूरा काम किया है, इसकी रोकथाम बहुत अच्छी तरीके से की है। अब उसी बोतल को हम एक बार फिर लेके आएंगे, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाए, ये जीवन गार्लिक थोड़ी नज़र आने लग जाए, तो इसको फिर दूसरे तरीके से इस ज़मीन को देंगे मिट्टी में मिला के। तो उसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह जब हम लोग करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, या उससे पहले मैं करके दिखा दूंगा आपको। तो उसकी वजह से भी ये घास जो है ये काफ़ी रुक जाती है और जो जीवन गार्लिक है इसको सारे न्यूट्रंस आसानी से मिलते हैं और वो बड़े ताकत से ज़मीन से बाहर आती है। तो फिर इंशाल्लाह जब ये बाहर आ जाएगी, 15-20 दिन और लगेंगे इंशाल्लाह, तो ये बिल्कुल बाहर आ जाएगी। तो उसके बाद हम जब ये ज़मीन से तकरीबन सारी गार्लिक बाहर आ जाए, फिर हम इसको गोडी लगाएंगे। गोडी के बाद फिर इसको वो वाला स्प्रे देंगे, लेकिन स्प्रे करने का तरीका अलग है इसमें, इसको हम मिट्टी में मिला के देते हैं उसके बाद इसको पानी लगाते हैं। तो उसकी तरीका मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।